नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। का मेरा मेन मकसद था कि मेरा एक छोटा भाई है नीरज कुमार पासवान, जिसको एक लड़की ने शादी का झांसा देकर उसको कतरई धनबाद बुलाती थी होटल में मिलने के लिए, लेकिन ये नहीं जाता था। जबरदस्ती बुलवाई वहाँ और 3 दिन रखी धनबाद होटल में। तो 3 दिन के बाद फिर वो लड़की जो है चली गई और अपने बारे में कुछ भी नहीं बताई। दूसरा बार जब नेक्स्ट बार आई मिलने के लिए धनबाद, तो वहाँ पर जो है उसको दिखाई अपने बारे में सब कुछ, सच सच बताई कि मैं शादीशुदा हूँ पहले से भी, मेरा एक बेटी है, तो हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो मेरा भाई जो है इनकार कर दिया कि नहीं, हम शादी नहीं कर सकते, मेरा घर से नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो उसके बाद वो मतलब धमकी वमकी दी इसको फंसाने के लिए कि हम जो है कि मतलब यौन शोषण के केस में तुमको हम अंदर करवा देंगे, यही सब धमकी देकर। और वो लड़की पहले से भी लड़का लोग को धमकी दे दे के फंसाई है, उसका भी सबूत है मेरे पास। तो वही डर से मेरा भाई जो है उसके साथ शादी कर लिया, और इसको हम लोग को कोई जानकारी नहीं था। मेरा नाना डेट किए थे रानीगंज में, तो हम लोग सब वही नानी घर में ही थे। तो वहीं से वो लड़का जो है उसके घर रांची जाकर वही लड़का शादी करके आया, और उसका शादी में हम लोग का न सहमति था और ना ही हम लोग वहाँ मौजूद थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो लड़की आई एक दिन के लिए यहाँ 16 तारीख को। तो आने के बाद उसी दिन को क्या मतलब छोटा मोटा बकझक हुआ, उसका कोई वीडियो से रिलेटेड था जो मेरे भाई को पता चला, तो वही वीडियो के बारे में उससे पूछा। तो वही वीडियो को लेकर ही वो लड़की जो है थोड़ा सा बकझक की और जाकर थाना में FIR करवा दी कि हमसे दहेज मांगता है, तो मारपीट करता है। तो शादी का दूसरा दिन से ही हमको मारपीट करने लगा और दहेज का प्रताड़ना करने लगा, जबकि शादी के बाद वो यहाँ पर थी ही नहीं। यहाँ पूरा अगल बगल जितना भी है सब कोई जानता है कि यहाँ पर वो आई ही नहीं, एक दिन के लिए मात्र आई थी। और उसके बाद FIR की और अभी डेली आती है कतरास थाना। और मेरा छोटा भाई FIR की है, मेरा छोटा भाई नीरज के खिलाफ और मेरे खिलाफ, चंदन कुमार। आपको सच्चाई क्या पता चला उसके बारे में बताइए। उसके बारे में सच्चाई पता चला कि वो फ्रॉड लड़की है और पहले भी शादी मतलब शादीशुदा है, और कितना शादी की है उसका हम लोग को पता नहीं, 3-4 का पता है, और उसका पेपर भी है मेरे पास, 12-13 साल की बच्ची भी है। और वो लड़की पोर्नोग्राफी में काम करती है, और उसका वीडियो का नाम है एप्लीकेशन का हॉट हिट वीडियो। और वो लड़की जो है मेरे छोटे भाई नीरज को जेल भिजवा के ही रही है, और अभी भी वो शांत नहीं है, अभी भी बोलती है क्या कि हम लोग को भी जेल भिजवा मतलब जेल भिजवाएगी, और वो 10 लाख का डिमांड करती है कि जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम तुम लोग का पीछे छोड़ेंगे नहीं। उसका पॉर्न वीडियो वगैरह भी आप लोग? हाँ, पॉर्न वीडियो भी है उसका ढेर सारा। वो क्या नाम है उसका? उसका नाम है प्रियंका कुमारी उर्फ परी पासवान। वो जो आरोप लगाई है आपके खिलाफ में क्या लगाई? सब बेबुनियाद आरोप लगाई है कि हम लोग उसको मारते थे, पीटते थे और दहेज के लिए प्रताड़ना करते थे, जबकि ऐसा कोई भी बात नहीं है। एक दिन के लिए ही तो आई थी, 16 तारीख को आई थी, और उसी दिन शाम को ही जाके थाना में FIR कर दी। आप लोग शादी कब की थी? शादी की थी 2 बार। शादी लड़की कौन? लड़की कौन? लड़की परिपासवान। और किससे साथ में की? नीरज। कौन है नीरज? आपका बेटा? फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शादी किया, हम लोग आया तो हम लोग बोले कि घर में नहीं रहने देंगे हम तुमको, हम शादी में मौजूद नहीं, हम अपने मन से किए नहीं, तुम लोग अपना मन से किया, हम नहीं रखेंगे हम लोग। तो उस दिन बारिश होने लगा, पूरा आंधी तूफान चलने लगा, तो हम माया मोह से घुसा लिए घर। फिर बोले कि रात में हम रख लेते हैं, सुबह हम तुम लोग को जाने। शादी कहाँ हुआ? शादी हुआ रांची में। शादी में नहीं, शादी में हम लोग नहीं कोई थे। उसके बाद क्या क्या आरोप लगाए आप लोगों को, क्या तंग किए? वही वो है कि दहेज के चलते टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है। जब हम लोग शादी जब किए ना, तो हम दहेज कैसे मांगेंगे उसे? आप लोग शादी के बारे में आप लोग के तरफ से कोई मांग नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब हम शादी नहीं किए तो मांगेंगे कैसे? वो अपने मन से दोनों शादी किया, अपने मन से। आप लोगों से कोई मतलब नहीं है? लड़की से लड़की से हमारा कोई मतलब नहीं है। किया अपना झांसा में, वो बहला फुसला करके वो अथी कर लिया। वो मामला क्या है कि वो अपने मर्जी से शादी की है, वो लोग फेसबुक में सब मिली जुली है, उसको होटल में बुलाता था, ये लड़का जाता था, वो लड़की भी आती थी, कुछ दिन साथ में रहा, उसके बाद इसको बताया सच्चाई सब जाना। जब जानने के बाद लड़का बोला कि मेरा घर वाला तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा, हम नहीं रखेंगे तो हम नहीं करेंगे शादी। तो बोला नहीं शादी करेगा तो हम फंसा देंगे, जेल भेजवा देंगे। तो डर से कर लिया शादी जाके, वो भी भाग के किया शादी। पहले राजी थे, हम लोग भी फोटो दिखाया था कि हाँ शादी करेंगे, लड़की ठीक है भाई, अच्छा है, लड़की काम कर रहा, मिस इंडिया है,
तो हम लोग शादी करने के लिए राजी थे, उसका उसका सच्चाई जाने तो हम लोग नहीं नकारा चलेंगे, तो इसको फंसा उसा के अपना शादी कर लिया रांची में बुला के। वो अब क्या हुआ मेरा मैकिन, अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है, अब केस कर दिए, सबका नाम दे दी है थाना में। आपका देवर जेल में है? जेल, मेरा देवर जेल चल गया है। आपका क्या धमकी दे रही है? आप धमकी दे रहे कि आप लोग के भी जेल भेजवाएंगे, नहीं तो 5,00,000 रुपया दीजिए, उसके बाद हम पीछा छोड़ेंगे आप लोग का। कैसे पता चला कि 5,00,000 मांग रहे? वो आई थी घर पर। कब आई थी? आई थी, उसको केस किया था, उसको 2-3 दिन बाद करने के बाद 2 दिन के बाद आई थी, बैग लेने के बहाने आई थी। अच्छा, कि मेरा पास बैग दीजिए। वो बोल रही थी कि केस हम उठाने जा रहे हैं, इतना डिमांड कर रहे हैं, इतना पैसा दीजिएगा तो हम केस उठा लेंगे। तब हम लोग बोले कि नहीं, पैसा नहीं देंगे, हम लोग बोले केस लड़ेंगे, काहे देंगे पैसा हम तुमको, हम लोग का गलती नहीं है, तो हम लोग पैसा कहाँ से देंगे, हम लोग कमाने खाना है, उसको 10,00,000।